के लिए। तो आपको बता दें कि उपचुनाव में मिली हार को लेकर मंथन होगा, तो साथ ही साथ अन्य जो चुनाव यहां पर होने जा रहा है, चाहे वो निकाय चुनाव हो, स्थानीय स्तर के चुनाव को लेकर भी यहां पर रणनीति तय की जाएगी। बढ़ेंगे आगे, दिल्ली के बुराड़ी में भगवान केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर बनने और मंदिर के शिलान्यास में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से शिरकत करने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं समेत कई सामाजिक संगठनों ने भगवान केदारनाथ की शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर मंदिर में एक प्रार्थना याचना सभा का आयोजन किया। कोई कुछ कर रहा हो, स्वयं जिसकी बात की आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपने भाषण में कहा कि मैं बद्रीनाथ का अध्यक्ष था और मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया। मैंने कहा कि नहीं, ऐसे कार्यक्रम में हम नहीं जा सकते हैं जहां बद्रीनाथ और केदारनाथ को दूसरी जगह स्थापित करने की बात हो, ऐसे कार्यक्रम में हम शामिल नहीं हो सकते, हम नहीं शामिल हुए। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी स्वयं केदारनाथ से केदार शिला उठाकर वहां ले जा रहे हैं और उसका शिलान्यास कर रहे हैं और इस बात को प्रचारित किया जा रहा है कि जो व्यक्ति केदारनाथ नहीं जा पाएगा वो यहां दर्शन कर सकता है। ये हमारे हितों पर कुठाराघात है, हमारी आस्था पर कुठाराघात है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता रोहित डिमरी हमारे साथ लाइव बन गए हैं। रोहित, आपका रुक करना चाहेंगे क्योंकि लगातार भगवान केदारनाथ के प्रतीकात्मक मंदिर बनने को लेकर विरोध के सुर दिखाई पड़ रहे हैं। कांग्रेस मुखर होकर इस मुद्दे पर जो है हौसले बुलंद करते हुए सरकार पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रही है, जिसको लेकर अब ये सभा का भी आयोजन क्या कुछ इसमें रहा, क्या कुछ रणनीति तय की गई? जैसे कि मैं आपको बताऊंगा कि कैदा घाटी से लेकर केदारनाथ धाम में दिल्ली के बौराड़ी में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर से जब से यहाँ बात सामने आई है तब से आक्रोश बना हुआ है, जहाँ केदारनाथ धाम में तीर्थ पुरी समाज व्यापारी से लेकर जो स्थानीय लोग हैं यात्री जो केदारनाथ धाम पहुंचे वो हर दिन मंदिर प्रांगण में एकत्रित हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा, कल दूसरा दिन धरना प्रदर्शन था। इसके अलावा और शीतकालीन गद्दी असल ओंकारेश्वर मंदिर में कांग्रेस के साथ ही अन्य संगठनों सामाजिक संगठन के लोगों ने यहाँ पर बैठक किया और साफ तौर पर कहा है कि जो केदारनाथ का जो मंदिर है, जो केदारनाथ के धाम की जो महत्ता है वो बनी रहनी चाहिए और दिल्ली के बराई में यह मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं जो हिंदुओं की आस्था के प्रतीक है भगवान केदारनाथ धाम है, वहां पर ही तीर्थयात्रियों को पहुंचना चाहिए, जबकि दिल्ली में मंदिर निर्माण के बाद 12 महीने तक खुले रहे हैं और यहां पर ही दर्शन करने की बात कही जा रही है। इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस विपक्षी दल कांग्रेस है उसमें आक्रोश बना हुआ है, जगह जगह बैठकें की जा रही है। इसके अलावा केदारनाथ धाम में भी लगातार आक्रोश बढ़ गया है। हालांकि प्रदेश सरकार का यह कहना है कि अभी इस मामले में जांच चल रही है। बीकेटीसी को भी निर्देश दिए गए हैं कि जो केदारनाथ मंदिर निर्माण किया जा रहा है उसकी भी पूरी जांच की जाए। तो ऐसे कहीं कह सकते हैं कि जहां एक और प्रदेश सरकार भी अपना बचाव कर रही है तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल कांग्रेस सामाजिक संगठनों को साथ लेकर, अन्य स्थानीय लोगों को साथ लेकर आंदोलन करने पर लगा है। जी, बहुत शुक्रिया रोहित तमाम जानकारी देने के लिए। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण को लेकर ये विरोध के सुर जो है वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो दिल्ली में केदारनाथ मंदिर के प्रतीकात्मक बनाए जाने को